आपके अपने YouTube चैनल में दोस्तों बहुत दिनों से इंतज़ार था पटवारी भर्ती का। जी हाँ दोस्तों, पटवारी की जो है भर्ती आ चुकी है, नई भर्ती आई है। कितने पदों पर क्या रहने वाला है, संपूर्ण डिटेल जो बताऊंगा, सिलेबस क्या जो है रहने वाला है, और साथ ही जो है क्या CET से बाहर होगी, सभी क्वेश्चनों के आपके उत्तर मिलेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके जो है ये आई है आपके राजस्व जो है मंडल राजस्व विभाग की जो है प्रदेश में जल्द होगी 2998, मतलब लगभग 3000 पटवारियों की भर्ती राजस्व मंडल ने शुरू की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है नई जो है भर्ती देखने को मिल रही है। राज्य में जल्द ही जो है पटवार जो है 2998 पदों पर जो है भर्ती देख की जाएगी। राजस्व मंडल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और जो है ये जो है पद दे रखे हैं, और 26 जिलों के 1035 पटवारी सर्किलों में 1035 नव जो है सर्जित पद हो गए। ठीक है, तो नए जिले भी बना दिए हैं, तो उनके भी जो है पटवारी को जो है भर्ती होने वाली है। तो मैं आपको बता दूँ इसमें आपका जो है सिलेबस क्या रहने वाला है, और ये CET से बाहर होगी। जी हाँ दोस्तों, ये CET में जो है इंक्लूड नहीं होगी, चाहे आपकी ग्रेजुएशन लेवल CET हो या फिर 12th लेवल हो, ये अलग ही करवाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ग्रेजुएशन इस CET में थी एक पटवारी, वो थी आपके जो है जलदाय विभाग की, लेकिन ये राजस्व मंडल की है तो ये अलग है, तो ये CET में नहीं होगी, CET से बाहर होगी। तो आपके लिए ये जो है CET में यदि आपका कम स्कोर भी रहा है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। स्नातक स्तरीय ये जो आपकी पटवार होने वाली है, और साथ ही जो है आपको जो एग्ज़ाम की सिलेबस में बता देता हूँ, इसमें आपका इंडिया GK होता है और साथ में राजस्थान GK, ठीक है, दोनों होता है, साथ में ही जनरल साइंस जो आपकी होती है, और उसके बाद आपके पता है पटवारी है तो आपकी रीजनिंग और मैथ भी इसमें आती है, और साथ में हिंदी और इंग्लिश के भी जो है कुछ वेटेज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कंप्यूटर भी आपका इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आपका ये सिलेबस मैंने बता दिया, यही सिलेबस जो है लास्ट ईयर था, तो यही सिलेबस इस जो है साल भी हो सकता है, क्योंकि अभी ऑफिशियल जो है इसकी विज्ञप्ति आएगी, तो उसके बाद आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि क्या जो है पैटर्न रहने वाला है। तो आपको जो है बस तैयारी में लगे रहना है, भर्ती बहुत आ रही है, भर्ती आपके ये समझ लीजिए भर्ती का विज्ञप्ति आती है जो है टाइम नहीं लगेगा। यदि 2 महीने बाद भी आ रही है तो आप ये सोचिए कि आपकी अभी कितनी तैयारी है, और क्या आप फॉर्म भरने के बाद तैयारी करना शुरू करेंगे, पहले ही आपको तैयारी करना स्टार्ट करना है, तो अभी से आप लग जाइए। किसी भी भर्ती जो है अब राजस्थान में भर्तियों की जो है वो सार होने वाली है, साथ ही राजस्थान पुलिस आएगी, राजस्थान जो है RSC आएगी, और महिलाओं के लिए ASI आ रही है, और साथ ही SI की भर्ती भी जो है विज्ञप्ति जल्दी ही इसी मंथ में देखने को मिल सकती है, ठीक है, और RS आपको बता ही आने वाली है, ठीक है। तो तैयारी के लग जाओ, राजस्थान GK, इंडिया GK, ये सभी एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये पढ़ते रहना है कंटिन्यू, आपको जो है पढ़ाई नहीं छोड़नी है, भर्ती लगातार आ रही है, साथ ही दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम भी जो है नवंबर में होने जा रही है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो इसी तरह अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।